मैं हमेशा साउंड ऑन करना भूल जाता हूँ। चलो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। चलिए एक बार फिर से गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लाइमेट की क्लास ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी जो है वो कवर करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लाइमेट हमारे पास बचे हुए हैं, उन क्लाइमेट्स को हम यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे, विच इज़ हमने ब्रिटिश क्लाइमेट पढ़ा है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा कि तो वी हैव सीन कि जीरो से लेकर के लगभग 5 to 10 डिग्री के बीच में, मैं मैक्सिमम 10 डिग्री लेता हूँ। ठीक है, अभी ठीक आ रहा है। चलो सेशन को लाइक शेयर कर दो सब लोग, जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ। तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है 0 से 10 के बीच में, यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। फिर 10 से लेकर के 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में 3 डिफरेंट क्लाइमेट हैं। वन इज डेजर्टिक क्लाइमेट, ठीक है, दूसरा सेंट्रल में सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, और इधर मॉनसून क्लाइमेट। फिर 3 डिफरेंट क्लाइमेट यहाँ पर हमने देखे, 30 से लेकर के 45 डिग्री लैटिट्यूड तक देर आर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, फिर बीच में स्टेपी क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, और ईस्टर्न साइड में, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में इधर कौन सा क्लाइमेट है, चाइना टाइप क्लाइमेट। फिर और ऊपर गए, ठीक है, लगभग 60 डिग्री तक। तो यहाँ पर मेजरली हम 2 क्लाइमेट देखते हैं, एक थोड़ा सा क्लाइमेट जो कि टैगा से जुड़ा हुआ है, दिस इज ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ठीक है, वेस्टर्न साइड एंड ऑन द ईस्टर्न साइड वी फाइंड लॉरेशियन क्लाइमेट। तो आज हमको समझना है लॉरेशियन क्लाइमेट, और फिर उसके बाद 60 से ऊपर लगभग 70-75 तक, और कवरिंग दिस होल एरिया, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ पर आएगा टैगा, और यहाँ पर आएगा साइबेरियन क्लाइमेट। ठीक है, तो ये लगभग सिमिलर फीचर रखते हैं, तो टैगा और साइबेरियन लगभग एक ही तरीके से मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। ठीक है, फिर ऊपर 90 डिग्री तक टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा क्लाइमेट। तो इस तरीके से हमारे सारे क्लाइमेट जो है फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, देखा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, आज हम देखेंगे लॉरेशियन, टैगा एंड टुंड्रा क्लाइमेट। ठीक है, तैयार हैं? अभी तक आप लोगों को सारे क्लाइमेट्स जो है समझ में आ गए हैं, कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये खत्म होने के बाद में फिर यहां पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो रुक रहा है क्या? जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, चलो, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉरेशियन क्लाइमेट। अब लॉरेशियन क्लाइमेट में देयर इज नो ड्राई सीजन, ठीक है, और कंपेरेटिवली वार्म समर, यहाँ पर कोई ड्राई सीजन नहीं होता। इसका मतलब है कि रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। ठीक है, रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। सो दिस क्लाइमेट इज एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्लाइमेट बिटवीन ब्रिटिश टाइप मॉडरेट क्लाइमेट एंड टाइगर टाइप एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, अब इसका लोकेशन आप देख लीजिए, तो ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में मिलेगा। कहाँ कहाँ पर मिलेगा? ये जापान में मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ चाइना में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट चाइना, रशियन कोस्ट पर मिलेगा। कभी कभी थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा संभाल लो बस। ठीक है, तो रशियन कोस्टल रीजन में मिलेगा, रशियन कोस्टल रीजन में, जापान में, यहाँ पर ये क्लाइमेट मिल रहा है। तो एक बार हम लोकेशन देख लें। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के जैसा ही लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट होता है, पर लॉरेशियन क्लाइमेट ब्रिटिश क्लाइमेट से थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। इट हैज़ बोथ द फीचर लाइक मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। क्यों इस पर दोनों तरीके के फीचर होते हैं? क्यों यहाँ पर दोनों के फीचर होते हैं? क्योंकि ये कोस्टल एरिया में भी पाया जाता है, और साइबेरिया और यहाँ कैनेडा के जो कोल्डर एरियाज हैं वहाँ से विंड इनको अप्रोच करती हैं। तो ये दोनों तरीके का जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है उससे भी अफेक्टेड होता है, और मैरीटाइम ओशियन क्लाइमेट से भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, मैरीटाइम क्लाइमेट क्या होता है? हमेशा नमी बनी रहेगी।
ठीक है, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीमली चेंज नहीं हो पाएगा, ये मैरीटाइम क्लाइमेट की खास बात होती है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लॉरिशियन टाइप क्लाइमेट का देखें, सो दिस इज फाउंड ओनली इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सो दिस इज द ओनली क्लाइमेट जो सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लाइमेट कहीं पर भी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ईस्टर्न कैनेडा में, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में जो न्यू फाउंडलैंड का रीजन है, फिशेस के लिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है, न्यू फाउंडलैंड में बहुत ज़्यादा फिशेस पकड़ी जाती हैं, ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन रीजन में। साथ में एशियन रीजन में अगर देखें तो साइबेरियन, नॉर्थ चाइना, मंचूरिया, कोरिया और नॉर्थ जापान में ये क्लाइमेट पाया जाता है। मुस्तफ़ा गुड आफ्टरनून, मुस्तफ़ा, हिमांशु गुड आफ्टरनून, चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन को, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो लॉरेशियन क्लाइमेट जो है वो ईस्टर्न साइड में यहाँ पर है, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि इन जगहों पर लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में इतना लैंड ही नहीं है जहां पर इस तरीके का क्लाइमेट हो, तो आप याद रखिएगा दिस क्लाइमेट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इन सदर्न हेमिस्फीयर ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट एक्सटेंड अप टू 40 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री लैटिट्यूड और या उसके आगे बहुत कम स्मॉल सेक्शन ऑफ लैंड एक्सटेंडेड है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ जाए लॉरेशियन क्लाइमेट के बारे में कि व्हाई लॉरेशियन क्लाइमेट इज एब्सेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो यू कैन पुट सम पॉइंट्स लाइक दिस, ठीक है, कि 40 डिग्री के बाद वहां पर लैंड नहीं है, सम ऑफ दीज स्मॉल सेक्शंस कम्स अंडर द रेन शेडो रीजन, जैसे पैटागोनिया का डेजर्ट है वो आता है पर वहां पर रेन शेडो है तो लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट वहां पर डेवलप नहीं हो पाता है। सम ऑफ दीज रीजंस आर सब्जेक्टेड टू एरिडिटी रादर देन कॉन्टिनेंटैलिटी, एरिड रीजन है, सूखा रीजन है, ठीक है, हाँ जी, द ग्रांड बैंक वगैरह, ये सब सही कहा आपने। सो द अदर रीजन लाइक ओसैनिक इन्फ्लुएंस इज सो प्रोफाउंड दैट नाइदर द कॉन्टिनेंट नॉर द ईस्टर्न मार्जिन टाइप क्लाइमेट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर सदर्न पार्ट में देखें थोड़ा मैप में, तो यहाँ पर हम इस रीजन में लैंड का एक्सटेंशन ही नहीं पाते हैं जहाँ पर ये क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है, एरिड रीजन है, तो केवल और केवल यहाँ पर ओसैनिक इफेक्ट जो है वो आसपास इस बहुत बड़े रीजन में है, ठीक है, लैंड हाई नहीं है तो ये क्लाइमेट वहाँ पर नहीं होगा। दिस इज द पॉसिबल रीजन कि ये क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर में एब्सेंट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बनाए तो आप क्या समझ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कोल्ड ड्राई विंटर, ठीक है, ड्राई विंटर, वार्म वेट समर, समर का पीरियड जो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है उस समय यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, वैसे बारिश थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर होती रहती है, ठीक है। विंटर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री से कम विंटर टेम्परेचर होगा, सो स्नोफॉल जो है वो बिल्कुल नेचुरल है, कभी भी हो जाएगी, और समर वाला जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो इसका अगर हम टेम्परेचर का ब्रैकेट देखेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है उससे थोड़ा नीचे जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -9 डिग्री सेंटीग्रेड है, -11 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, पर यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर और ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कोल्ड और चिलिंग जो है सिचुएशन लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट में बनती है, ठीक है, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट में बनती है, जैसे ये शिकागो का चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोल्डर सिचुएशन होती है। इसकी जो ज़्यादातर रेनफॉल है वो समर के महीनों में होती है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर वाले जो समर मंथ्स होते हैं उस समय सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। ज़्यादा रेनफॉल एशिया के लॉरेशियन क्लाइमेट में है, ना कि यूरोप के नॉर्थ अमेरिका के लॉरेशियन क्लाइमेट में। यूरोप कॉन्टिनेंट में ये क्लाइमेट नहीं पाया जाता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये क्लाइमेट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यूरोप में ये क्लाइमेट नहीं है, एशिया में है और नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, एशिया में है और नॉर्थ अमेरिका में। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट से इसका डिफरेंस क्या है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में मिनिमम टेम्परेचर बिलो जीरो नहीं है, यहां पर बिलो जीरो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर वैसे ही 29-30 और वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, यहां का मैक्सिमम टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा है और मिनिमम टेम्परेचर भी ज्यादा है, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टेम्पोरल डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट एंड लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यहाँ पर समर मैक्सिमा है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में क्या है, देखिए मैं ये कंपैरिजन करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लगभग एक ही लैटिट्यूड रीजन
एक ही सिमिलर लैटिट्यूड एक्सपेंशन में ये आते हैं। तो अक्सर क्लाइमेट में सिमिलर लैटिट्यूड वाले जो क्लाइमेट्स होते हैं उसमें कंपैरिजन करके यूपीएससी स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में विंटर मैक्सिमा था, मतलब वहां पर विंटर में ज्यादा रेनफॉल होता था, यहां पर समर में ज्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है। हाँ जी मुस्तफा, 5 से 15 के बीच था, और यहां पर देखोगे तो -10 से लेकर के, तो यहां पर डिफरेंस ज्यादा है। आनंदिता, गुड आफ्टरनून आनंदिता, चलिए बेटा बहुत अच्छा है, आप अपनी इस हेल्थ का ख्याल रखते हुए ही पढ़ाई कीजिएगा, बॉडी को ज़्यादा एग्जर्ट मत करिएगा, हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल मत करना अभी। तो रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर बट देयर इज अ समर मैक्सिमा। समर मैक्सिमा मतलब गर्मी में ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में विंटर मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ईस्टर्ली विंड कहाँ की, पोलर रीजन की ईस्टर्ली विंड से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये पोलर रीजन की स्टर्ली विंड से अफेक्टेड होते हैं। एनुअल रेनफॉल 75 से 150 सेंटीमीटर जो है होती है, 1/3 रेनफॉल इनकी, 2/3 रेनफॉल समर्स में ही हो जाती है। ड्राई वेस्टर्ली विंड आती हैं जो कि विंटर्स के समय में यहाँ पर अफेक्टेड होती हैं और बहुत ठंडी सिचुएशन बनाती हैं, इस वजह से साइबेरियन रीजन जो है बिल्कुल जमा होता है, ठीक है। सो इन नदर्न रीजन अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिकन में, तो ये वाला वो रीजन है जहाँ पर साइबेरियन टाइप क्लाइमेट है, न्यूफाउंडलैंड है, ठीक है, बे ऑफ फंडी है, नोवा स्कॉटिया है, ठीक है, कनाडा का ये वाला रीजन है, ये पूरा है। ये लैब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है, वहाँ उससे अफेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पर लैब्राडोर करंट आती है, ग्रैंड बैंक जिसका भी नाम मुस्तफा आपने लिया, दिस इज द ग्रैंड बैंक, ठीक है। इधर से वार्म गल्फ स्ट्रीम आ रही है, वार्म गल्फ स्ट्रीम, और इधर से लैब्राडोर करंट आ रही है। तो इन दोनों करंट का मिक्सिंग जो है इस ग्रैंड बैंक में हो रहा है, ठीक है। इन दोनों करंट का मिक्सिंग जो है ग्रैंड बैंक पे होता है, इस वजह से यहां पर फिश का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है, ठीक है। फिश का प्रोडक्शन इस पूरे एरिया में, यहाँ यूएसए से लेकर के यहाँ कनाडा के ग्रैंड बैंक तक जो है पूरा अच्छा फिश का उत्पादन यहां पर होता है, ठीक है। चलिए तो अगर हम देखें तो दिस क्लाइमेट इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देख लेते हैं, इन समर प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव कॉज डिस्कम्फर्ट, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ से हीट वेव्स आती हैं जो काफ़ी डिस्कम्फर्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं। इन विंटर्स टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्नोफॉल अकर्स। ऑल राउंड ईयर प्रेसिपिटेशन रहती है। वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लैब्राडोर करंट जो है वो यहाँ पर साइक्लोनिक सिचुएशन भी बना देती हैं, ठीक है। वो साइक्लोनिक सिचुएशन भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बना देती है। तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है। वार्म गल्फ स्ट्रीम इंक्रीज द मॉइस्चर ऑफ ईस्टर्ली विंड, ठीक है। एंड ग्रेट लेक्स में ठंडी विंड आती है, इधर से ठंडी विंड, इधर से वार्म विंड, तो यहाँ पर कुछ साइक्लोनिक सिचुएशंस भी बन जाती हैं। साइक्लोन रेनफॉल होती है जिसकी वजह से ये जो लेक रीजन है, ये लेक रीजन है, इसको वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो बनी रहती है। सेशन को सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो इन 5 ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, लेक इरी, लेक ह्यूरॉन, इन लेक्स को मिलता रहता है। तो इन लेक्स के लिए ये वाला जो रेनफॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वार्म गल्फ स्ट्रीम है, इनका कन्वर्जेंस होता है जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड जो रीजन है, ग्रैंड बैंक जो है, ये फिश के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मिस्ट और फॉग भी बहुत होता है। मिस्ट और फॉग जो है प्रेसिपिटेशन भी कॉज करता है और साथ में नेविगेशन को भी हैम्पर करता है, ठीक है। शिप के मूवमेंट को भी ये हैम्पर करता है, ठीक है। इट इज सेड दैट न्यू फाउंडलैंड एक्सपीरियंस मोर डिजल देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप एक वन लाइनर आपके लिए तैयार हो गया, कहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रिजलिंग होती है। ड्रिजलिंग मतलब जो फुहारदार वर्षा होती है। वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रिजलिंग होती है, तो सबसे ज्यादा ड्रिजलिंग होती है न्यू फाउंडलैंड में, ठीक है। सबसे ज्यादा ड्रिजलिंग कहाँ होती है, न्यू फाउंडलैंड में सबसे ज्यादा ड्रिजलिंग होती है, ठीक है। ये वन लाइनर आप यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ड्रिजलिंग न्यू फाउंडलैंड में होती है। एशियाटिक रीजन में देखें तो एशियाटिक रीजन में एशिया के ईस्टर्न साइड में है, रशिया में है, जापान में है, जैसे मैंने आपको बताया। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एशियाटिक रीजन इज फार लेस यूनिफॉर्म, जैसे यूएस वाले में, नॉर्थ अमेरिका में रेनफॉल यूनिफॉर्म तरीके से होती है सब जगह पर, यहाँ पर फार लेस यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। मतलब इक्वल रेनफॉल नहीं होती है कहाँ पर, एशियन साइड के लॉरेशियन क्लाइमेट में, क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन कोल्ड विंड का ज़्यादा इफेक्ट होता है।
जिसकी वजह से रेनफॉल जो है वो कम हो जाता है नॉर्थ अमेरिकन के कंपैरिजन में, ठीक है। विंटर्स आर कोल्ड एंड वेरी ड्राई, एक्सेप्शनली वेट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो विंटर ज़्यादा ड्राई होता है, कोल्ड होता है, और समर्स जो होता है उसमें ज़्यादा वर्षा होती है। तो मैंने आपको दो जगह का ये मैप दिखाया था, तो यहाँ पर आप देखें तो ये एशियन साइड का है, ठीक है, ये सिटी प्योंगयांग है इसका है। यहाँ पर आप रेनफॉल देखो एक पर्टिकुलर मंथ में कितना हाई हो जा रहा है, दिस इज मोर देन 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। वहीं हम शिकागो का देखें जो नॉर्थ अमेरिका का लॉरेशन क्लाइमेट है, यहाँ पर एक लंबे समय पर लगभग इक्विटेबल रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इक्विटेबल है। यहाँ पर रेनफॉल ऑलमोस्ट जो है वो जनवरी दिसंबर फरवरी इन महीनों में लगभग खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ द रेनफॉल है एशियन साइड के लॉरेशियन क्लाइमेट, एक्सट्रीमिटीज ऑफ रेनफॉल है, ठीक है, एक्सट्रीम रेनफॉल है। नाउ तो एक तरीके से ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप रेनफॉल प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से समर में यहां पर हाई रेनफॉल हो रही है ये मॉनसून टाइप रेनफॉल प्रेजेंट करता है। अब उसका इफेक्ट, ये मॉनसून टाइप हम क्यों बोल रहे हैं, इंटेंस हीटिंग ऑफ इंटीरियर ऑफ चाइना इन समर क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। अब मैप में अगर हम देखें एक बार, तो इधर चाइना का ये जो प्लेटू रीजन है ये काफी गर्म हो जाता है समर, लो प्रेशर जोन क्रिएट कर, तो इसकी वजह से वार्म, इसकी वजह से जो पोलर वाली ट्रेडविंड है वो इधर की तरफ आ जाती है और ये ओशन की तरफ से गुजरते हुए इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल लेकर के आ जाती है। तो इस वजह से समर के महीने में यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे समर के महीने में ज़्यादा रेनफॉल लॉरेशियन क्लाइमेट में क्यों होती है, ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ चाइनीज प्लेटू रीजन, ठीक है, चाइना के प्लेटू रीजन के कारण यहाँ पर काफ़ी लो प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से साउथ ईस्ट मानसून यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। तो एक तरीके से मानसून क्लाइमेट से बहुत दूर है लॉरेशियन क्लाइमेट, उसके बावजूद भी यहाँ पर मानसून की सिचुएशन जो है वो मिलती है, ठीक है, बात समझ गए। तो इस क्लाइमेट का पूरा नाम क्या है, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। तो कूल है, टेम्परेट है, रेनफॉल अच्छी खासी हो रही है, ठीक है, कोरिया में, होकाइडो में, जापान के यहाँ सब जगहों पर स्नोफॉल भी बढ़िया होती है, ठीक है। जापान इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू वार्म एंड कोल्ड करंट, जापान में दो वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है, क्यूरोशियो इज द वार्म करंट, ठीक है, क्यूरोशियो एक वार्म करंट है और ओयाशियो एक कोल्ड करंट है, ओयाशियो इज द कोल्ड करंट। आप यहाँ मैप में एक बार देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ से रिकनेक्ट हो गए हैं, इट इज रिकनेक्टेड नाउ, अभी कनेक्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा सिग्नल वीक हो जाता है क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर नेट फैसिलिटी मिल रही है, यही बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ मैंने हिमाचल में देखा कि लाइट रोड ये सब जगह कनेक्टेड है, हालांकि थोड़ा सा नेट फैसिलिटी सब जगह पर नहीं है, यहाँ पर BSNL का फाइबर है, यहाँ पर जियो फाइबर नहीं, क्योंकि जियो वगैरह तो वहीं जाते हैं जहाँ पर प्रॉफिट होता है ना, पर BSNL जो है ना वो यहाँ पर है, ठीक है, बात क्लियर है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ ये भी कोल्ड करंट, तो अमूमन ये क्लाइमेट जो है वो वार्म एंड कोल्ड करंट का मिक्सिंग एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होती है, इस मिक्सिंग की वजह से फॉग क्रिएट होता है और रेनफॉल होती है, ठीक है। तो फिशिंग ग्राउंड यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं, इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स है, मतलब ऐसे कटी फटी कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे पोर्ट्स भी डेवलप होते हैं, बहुत अच्छा पोर्ट्स सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता है। नेचुरल वेजिटेशन देखें तो जितना भी कूल टेम्परेट फॉरेस्ट है, चाहे वो ब्रिटिश टाइप का हो, अगेन पॉज हो रहा है, ठीक है अभी ओके, तो जितना भी कूल टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, हाँ जी आनंदिता, मैं लॉकडाउन, एक्चुअली लॉकडाउन भी नहीं, मुझे हो गया था, मुझे भी कोविड हो गया था, मेरी वाइफ को भी कोविड हो गया था, तो उसके बाद दिल्ली में, हालांकि ऑक्सीजन लेवल नहीं ड्रॉप हुआ मेरा, तो दिल्ली में जो है ट्रीटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलना भी बहुत मुश्किल था, तो इस वजह से मैं उनको ले करके फिर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर शी गॉट ट्रीटेड वेल
अच्छा फैसिलिटी यहाँ पर मिला और ठीक हो गए हम लोग, ठीक है चलो। तो यहाँ पर ज़्यादा डर नहीं होता है क्योंकि आसपास लोग ही नहीं दिखाई पड़ते हैं। अभी इस विंडो के बाहर में देखूँ तो बाहर सिर्फ पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है लोग हैं नहीं ज़्यादा यहाँ पर। तो एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कूल टेम्परेट है, तो कूल टेम्परेट वेजिटेशन में हमेशा कॉनिफर्स ही मिलेंगे हमको, ठीक है कॉनिफर्स मिलेंगे। तो जिस तरीके का वेजिटेशन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में है वैसा वेजिटेशन यहाँ पर भी है, वही सिल्वर फर स्प्रूस, ठीक है वही सारे सॉफ्ट वुड वाले जो नेचर मैंने आपको बताया था कॉनिफर होंगे, जैसे भारत में देवदार होते हैं, ठीक है कॉनिफर्स होंगे सॉफ्ट वुड होंगे, ठीक है। हाँ जी आप नोएडा शिफ्ट हो जाइए तो अच्छा, अभी आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में थोड़ा सा ये है, दिल्ली से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, प्रिपरेशन के लिए यू कैन गो टू राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, आपको मटेरियल वगैरह परचेज करना है तो ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कोनिफर फॉरेस्ट है, सॉफ्टवुड वाले हैं, सॉफ्टवुड वाले हैं, ज़्यादातर पाइन टाइप का है। पाइन का मतलब हुआ कि जो लीव हैं, ठीक है अच्छा डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेन एवर यू कम टू एग्जामपुर आफ्टर दिस लॉकडाउन डू लेट मी नो, वी विल मीट यू, आर होल टीम मीट यू, ठीक है। तो ये जो इनकी लीव्स होती हैं वो निडल लीव्स होती हैं, बिल्कुल पतली सुई के जैसी की लीव्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की लीव्स वाले यहाँ पर मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर लंबरिंग एक्टिविटीज जैसे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में था वैसा ही यहाँ पर लंबरिंग एक्टिविटीज़ होती है। लंबरिंग मतलब पेड़ों की कटाई यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लॉरेशियन क्लाइमेट में भी एक इंपॉर्टेंट फिशिंग के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वुड कटिंग का काम, ठीक है। सो यहां पर ओक हो गया, बीच हो गया, मैपल हो गया, बर्च हो गया, ये सब बहुत कॉमन पेड़ हैं, ठीक है। ये भी विंटर्स में डेसीडुअस होते हैं, विंटर में ये भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और पेपर पल्प इंडस्ट्री, वुड पल्प इंडस्ट्री यहां पर बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, ठीक है। पेपर पल्प और वुड इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड दे हैव एक्सटेंसिवली फॉलन इनटू द एक्सट्रैक्शन ऑफ टेम्परेट हार्डवुड, ठीक है। यहाँ पर कुछ हार्डवुड भी पाई जाती है जिसका ये लोग यूज करते हैं। मंचूरियन प्लेन रीजन ऑफ चाइना, कोरिया, जापान, इन सब जगहों पर एग्रीकल्चर होता है, दो एग्रीकल्चर इज नॉट द प्राइमरी, दैट मीन्स इज नॉट द एक्टिविटी विच इज प्रैक्टिस्ड बाई मोस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ की डोमिनेंट एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है यहाँ पर टिम्बर पर, पेपर पे, पल्प पर, और जो रीजन जैसे जापान वगैरह है ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है। इसके अलावा जैसे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में था, ठीक है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में कोस्ट से दूर जो है वहाँ पर ग्रासलैंड डेवलप हुए हैं, यहाँ पर भी कोस्ट से थोड़ा दूर ग्रासलैंड डेवलप हुए हैं। तो डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हाँ जी अनंत, अप्पू सर की क्लास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं अप्पू सर, बात समझ गए। तो डेयरी फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे नोवा स्कॉटिया में यहाँ पर एप्पल वगैरह का भी प्रोडक्शन होता है, नोवा स्कॉटिया वैसे इधर है पर ये जो क्लाइमेट है यहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है क्योंकि स्नोफॉल होती है। फिशिंग जैसे ग्रैंड बैंक ऑफ न्यूफाउंडलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड बैंक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग होती है करंट का, ठीक है। तो मेजरली जैसे अगर जापान को देखें तो जापान तो बहुत बड़े लेवल पर फिशिंग करता है। जापान जो है वो वेल्स का हंटिंग बहुत ज़्यादा करता है। एक समय पर वेलिंग कमीशन ने उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया था, जापान ने वेल का हंटिंग बंद कर दिया था, पर अभी 2019 से फिर से जापान ने वेल का हंटिंग स्टार्ट कर दिया। यहाँ के कुछ फिशेज हैं फ्रेश वाटर फिशेज बहुत अच्छी होती हैं, जैसे सालमन फिश है जो ओमेगा 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के लिए ओमेगा 3 चाहिए होता है, ठीक है। तो दिस इज अ थ्राइविंग फिशिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत डेवलप हुई है इस रीजन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जापान जो है होकाइडो, क्यूरोशि, ये सब जगहों पर फिशिंग खासकर वेल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हाँ साइंस की क्लासेस का थोड़ा सा टाइम शिफ्टिंग हो गया है तो वो आप टेलीग्राम चैनल पर बने रहिएगा तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा सर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर देखिए। तो लॉरेशियन क्लाइमेट में फिशिंग
इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. सारा इकोनॉमी यहाँ पर फिशिंग पर निर्भर करता है. जापान इज द कंट्री जो बिल्कुल छोटा सा कंट्री है पर वेल का हंटिंग सबसे ज्यादा ये करता है, ठीक है. और यहाँ पर वेल बहुत आते हैं. क्यों आते हैं वेल? इस वजह से यहाँ पर आते हैं क्योंकि जहाँ पर दो करंट्स आपस में मीट आउट करती हैं वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए फिशेज आती हैं और फिशेज को खाने के लिए उनके पीछे पीछे वेल्स भी चली आती हैं. तो एक एक फिश होती है छोटी क्रिल. क्रिल का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है वार्म एंड कोल्ड करंट की मिक्सिंग एरियाज में. क्रिल को खाने के लिए खासकर वेल्स, हम बैक वेल्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी आती हैं. वेल का हंटिंग होता है. वेल्स के फ्लबर्स का यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है. जो वेल का फैट होता है वो यहाँ पर काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है. इनकी डेली रूटीन का भी हिस्सा है, ठीक है. तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा. उसके अलावा दूसरे और जो ओशन प्रोडक्ट्स हैं जैसे पर्ल्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, वो यहाँ पर निकाले जाते हैं. तो पर्ल फार्मिंग भी यहाँ पर बड़े मात्रा में की जाती है, ठीक है. तो एग्रीकल्चर हम नेचुरली देखें तो यहाँ पर क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, ठीक है. ये क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, पर अक्वा कल्चर के लिए दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्लाइमेट, ठीक है. क्योंकि ओशन में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन इस दौरान होते हैं, ठीक है. तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई फिशिंग इज डोमिनेंट ऑक्यूपेशन इन लॉरेशियन क्लाइमेट, फिशिंग जो है लॉरेशियन क्लाइमेट का डोमिनेंट ऑक्यूपेशन क्यों है, ठीक है. ये एग्रीकल्चर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया. इकोनॉमिक जियोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है. तो जापान से रिलेट करके मैंने यहाँ पर इस आंसर को तैयार किया है. माउंटेनियस नेचर ऑफ जापान इज अ पार्ट ऑफ मेनलैंड ईस्टर्न एशिया सपोर्ट लिटिल एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है. नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज जो है नॉन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ज़्यादा है. तो अराउंड 50% ऑफ द टोटल लैंड कवर्ड बाई फॉरेस्ट, ठीक है. और ये सब जो है फ्रॉस्ट से ग्रसित होता है, मतलब यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत कम होता है. फ्रॉस्ट रीजन और फॉरेस्ट रीजन ज़्यादा है जिसकी वजह से कहीं से तो फूड इनको चाहिए. तो ओशन बिकम देयर प्राइमरी सोर्स. तो जापान इज़ नॉट वेल एंडाउड विद नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है और साथ में नेचुरल डिजास्टर भी बहुत आते रहते हैं, है ना. तो जापान कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है. हाँ, जब स्टीम मिक्सिंग भी वो बिल्कुल करेंगे, ठीक है. इसके अलावा स्कार्सिटी ऑफ मीट, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक तो होता है पर इतना ज़्यादा लाइफ स्टॉकिंग का काम नहीं होता है. इस वजह से ये फिश पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है. अपने प्रोटीन की ज़रूरत के लिए मेनली इनके पास फिश ही है तो इस वजह से फिश पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है. देयर हैज़ द ग्रेट डिमांड ऑफ फिश प्रोडक्ट नियर बाई कंट्रीज़ को फिश सप्लाई करके अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप करते हैं ये लोग, ठीक है. जो दो वहाँ पर आपको करंट का सिचुएशन है, क्योरोशियो और ओयाशियो करंट तो बताना ही है, पर दूसरे और क्या फैक्टर हैं कि जापान जो है ज़्यादा जो है फिश पर डिपेंडेंट कंट्री बना है, ठीक है. इंटरनेशनल फिशिंग में इसका बहुत बड़ा रोल इसी वजह से हो पाया है. एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज जिसकी वजह से गवर्नमेंट लोन देती है बड़ी बड़ी शिप्स खरीदने के लिए और लोग उन शिप्स कैचिंग वाली शिप्स होती स्पेसिफिकली, उन शिप के माध्यम से डीप ओशन फिशिंग भी कर पाते हैं. मतलब डीप ओशन मतलब फार ओशन फिशिंग कर पाते हैं, दूर तक जा करके फिशिंग कर पाते हैं. तो टेक्नोलॉजिकली जो है गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ पर फिशिंग के लिए, ठीक है. ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस देखें तो जापान इज रिच ऑफ प्लैंक्टन बहुत ज़्यादा है. लगातार भूकंपीय एक्टिविटी के कारण वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से रोटेट होता रहता है ओशन का, तो वाटर का मिक्सिंग जो है वो यहाँ पर चलता रहता है. आप देखो जापान में हमेशा भूकंप आते रहते हैं. किसी ने मुझसे आज मुझे क्वेश्चन पूछा, सुमित ने पूछा था ना, सुमित आर यू देयर, आपने सुमित पूछा था कि अर्थ जो है वो वाइब्रेट क्यों करती है. अर्थ जो है अर्थ को एक आता है तब वाइब्रेट करती है. सुमित यू आर देयर, आप देख रहे हो क्लास, आपने यही क्वेश्चन मुझे भेजा था ना, ठीक है. तो इसकी इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, मतलब कटी फटी ऐसी कोस्ट लाइन है जिसकी वजह से फिश कैचिंग के लिए बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है. रोड कनेक्टिविटी अंदर की तरफ बहुत अच्छी है जिसकी वजह से फिश को हम पोर्ट से आसानी से दूसरी जगहों पर भेज पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन एड्रेस विद द पर्टिकुलर क्लाइमेट, ठीक है. नाउ लेट्स टेक द कोल्डर क्लाइमेट लाइक टुंड्रा एंड टाइगा क्लाइमेट, ठीक है. टुंड्रा टाइगा क्लाइमेट, अब ये क्लाइमेट हमें कहाँ मिलेगा? ये क्लाइमेट मिलेगा हमको बिल्कुल पोल की तरफ जाने पर, है ना. ये आर्कटिक,
ठीक है। तो इसको करने से पहले हम करेंगे टुंड्रा क्लाइमेट, सॉरी टैगा क्लाइमेट, ठीक है। फिर ये नीचे काफ़ी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। आज नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं जो क्लाइमेट से पूछे गए हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग टैगा क्लाइमेट, जस्ट ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द, ये रहा टैगा क्लाइमेट, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे टैगा जो रीजन है, टैगा, टैगा का एक और नाम है बोरियल क्लाइमेट, ठीक है। बोरियल आर द काइंड ऑफ ट्रीज, यहां पर ट्रीज का कैसा होगा। अब ये कहां पर मिलेगा टैगा क्लाइमेट, दिस इज अ कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट मतलब यहां पर जो रेनफॉल होती है, ठीक है, जो रेनफॉल होती है वो स्नो के फॉर्म में ही होगी। सो दिस क्लाइमेट इज कॉल्ड टाइगा क्लाइमेट और बोरियल क्लाइमेट, इसको बोरियल क्लाइमेट भी कहेंगे, ठीक है। ऑल्सो इन साइबेरियन रीजन दिस इज कॉल्ड साइबेरियन क्लाइमेट, ठीक है। तो ये साइबेरिया से सटे हुए एरिया में, साइबेरिया में उससे आसपास के एरिया में ये क्लाइमेट है, ठीक है। तो ऊपर लगभग 75 डिग्री तक हमको बड़ी आसानी से ये क्लाइमेट मिल जाता है, 80 डिग्री तक ये क्लाइमेट मिल जाता है, ठीक है। 75-80 डिग्री तक ये क्लाइमेट मिल जाता है। तो टैगा क्लाइमेट इज फाउंड ओनली इन नदर्न हेमिस्फेयर, सो दिस इज ऑल्सो द क्लाइमेट जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में ही पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर में वहां पर लैंड नहीं है, ठीक है। फिर इट इज एबसेंट इन सदर्न हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ नैरो लैंड मास, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ओसैनिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इस वजह से इस तरीके का क्लाइमेट वहां पर नहीं है। ऑन द पोलवर्ड साइड इट मर्ज विद आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है, और स्टेपी क्लाइमेट इन सदर्न साइड। तो ये जो क्लाइमेट होगा इसके साउथ में, मतलब इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो हमको स्टेपी क्लाइमेट मिलेगा, और पोल की तरफ जाएंगे तो हमको आर्कटिक टुंड्रा क्लाइमेट यहां पर मिलेगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, तो यहां पर अलास्का में, कनाडा में काफी ठंडा बर्फीला क्लाइमेट होता है ये पूरा रीजन, ठीक है। यहां पर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहां पर साइबेरिया में, ठीक है, साइबेरिया रशिया के, ये काफी बड़े रीजन में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहां पर ये पूरा क्लाइमेट जो है फैला हुआ। तो लोकेशन अगर हम देखें तो सेंट्रल कनाडा, स्कैंडिनेवियन यूरोप, ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन रीजन है, स्कैंडिनेवियन यूरोपियन रीजन, सेंट्रल सदर्न रशियन रीजन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्नोफॉल जो है वो साल में लगभग बनी रहेगी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सन रेज जो है वो सरफेस पर सीधी नहीं पड़ती है, यहां पर सन रेज ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर से निकलती है, ठीक है। जब सरफेस के ऊपर से निकलेंगी सन रेज, अगर आप देखो तो सन रेज जो है यहां पर सीधे नहीं पड़ेंगे सरफेस पर, यहाँ पर सनरेज सरफेस के पैरेलल निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मिडनाइट सन भी होता है ना सर, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था। पर सरफेस पर ना पड़ने के कारण फॉरेस्ट जो है वो बहुत डेंस नहीं होते हैं, ठीक है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो समर्स आर ब्रीफ, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम दिखा दिया है कि माइनस समर्स में जो टेम्परेचर है वो 20 चला जाता है, पर 20 वैसे एक्चुअली जाता नहीं, ठीक है। विंटर जो है वो -30-40, कई जगहों पर जैसे बर्खोनियास्क है यहाँ पर -67 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। थ्रू आउट द फ्रोजन कंडीशन बनी रहती है। इस क्लाइमेट में साइबेरियन रीजन ही सबसे ठंडा होता है, जहाँ पर -50-60 होता है। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। समर्स में पॉजिटिव टेम्परेचर हो जाता है और विंटर्स में, समर्स में पॉजिटिव टेम्परेचर हो जाता है और विंटर्स में एक्सट्रीम नेगेटिव, तो करीब 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है। सो दिस इज वन ऑफ द क्लाइमेट जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस, एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत हाई रहता है, ठीक है, बात समझ गए। फ्रोजन कंडीशन थ्रू आउट द ईयर लगभग बनी रहती है। इसके अलावा इस रीजन में ब्लिजार्ड और बुरान विंड्स, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड चिलिंग विंड्स होती हैं, वो विंड भी पोलर रीजन की तरफ से आती हैं, यहां पर चलती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया।
परमाफ्रॉस्ट की सिचुएशन पूरे एरिया में बनी रहती है, मतलब सॉइल जो है वो लगभग जमी हुई अवस्था में होती है। परमाफ्रॉस्ट जो सॉइल होता है उसमें बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन भी ट्रैप रहता है। इस वजह से कहते हैं अगर टैगा रीजन का हीटिंग होता है तो बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन निकलेगा और ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ा देगा। तो परमाफ्रॉस्ट रीजन रहता है, और इस वजह से भी क्योंकि जो स्नो होती है दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो स्नो पर सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट 90% रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, परमाफ्रॉस्ट का सिचुएशन हमेशा बना रहेगा। प्रेसिपिटेशन की बात करें, स्नोफॉल की बात करें, तो स्नोफॉल जो है वो लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर हो रही है। अब ये जो स्नोफॉल है ये मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जो है की वजह से कोस्टल रीजन में तो होती है, जैसे अलास्का हम यहाँ मैप में देखें, ठीक है, तो इधर अलास्का में इधर कोस्टल रीजन कमचटका पेनिनसुला यहाँ पर जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे इंटीरियर की तरफ जो है रेनफॉल बिल्कुल 30-40 सेंटीमीटर ही होगी, और जो भी रेनफॉल जो भी प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होगा भी वो सारा का सारा प्रेसिपिटेशन जो है स्नो के फॉर्म में होगा। इवन समर्स में भी यहाँ पर स्नोफॉल ही होता है, ठीक है, समर मैक्सिमा है, जो भी रेनफॉल होगी वो समर में होगी और कोस्टल एरिया पर ज़्यादा होगी, ठीक है, कोस्टल एरिया पर ज़्यादा होगी और साल में कभी भी हो जाती है। तो देयर इज़ नो फिक्स सीजन, पर हाँ समर मैक्सिमा है, समर मैक्सिमा है, ओशन से जो भी रेनफॉल किनारों पर आती है बाकी रेनफॉल कमी होती है, ठीक है। इन विंटर प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन स्नो के रूप में ही होती है, ठीक है। जैसे ये बर्खोनियास्क है रशियन रीजन, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आप देख सकते हैं -45, यहाँ का मैक्स जो मिनिमम टेम्परेचर -67, ठीक है, और 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस इन यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, इसको आप याद रखें। नेचुरल वेजिटेशन देखें तो यहाँ पर एवरग्रीन कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, एवरग्रीन कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और ये जब विंटर्स का टाइम होता है तो बर्फ से ढके हुए होते हैं, जैसे हमने एक पिक्चर यहाँ पर देखी थी, ज़्यादातर टाइम ऐसे बर्फ से ये ढके होते हैं, ठीक है। समर्स के टाइम में लगभग 2 महीने के लिए इन पे से बर्फ हटती है, तो ये बहुत कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं। लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट में भी बहुत कलर्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कलर्ड मतलब जैसे मैपल ट्री देखे तो उसका जो लीफ होता है वो ऑरेंज कलर का लीफ होता है, रेड कलर का लीफ होता है। तो ये जो ऑरेंज और रेड कलर का लीफ है ये बायोलॉजी में पढ़िएगा किस वजह से होता है, ठीक है, इसमें जो क्लोरोफिल कंपोनेंट है वो कम हो जाता है। तो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये कलर आते हैं ये बायोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो सनलाइट कम होने की वजह से, डायरेक्ट सनलाइट ना होने की वजह से ऐसे कलर्ड फॉरेस्ट यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर भी जो भी फॉरेस्ट मिलेगा वो कोनीफर मिलेगा, है ना, ऐसे शंकुधारी मिलेगा क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर कम है, तो जो भी फॉरेस्ट मिलेगा ये सॉफ्टवुड वाला मिलेगा, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ कोनीफर फॉरेस्ट इन टैगा जो है ये रशिया में एक वर्ड होता है, रशियन वर्ड है टैगा, जिसका मतलब होता है कोनीफर फॉरेस्ट, ठीक है। टैगा जो वर्ड है इसका रशियन में मतलब होता है कोनीफर फॉरेस्ट। सेशन को सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड में भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा इस क्लाइमेट में जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होगा और वहाँ पर वेजिटेशन भी ज़्यादा होगा, पर जैसे जैसे आप दूर जाएंगे कोस्ट से, ठीक है, इंटीरियर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कम होता जाएगा। जैसे साइबेरिया में कुछ जगहों पर कई हज़ार किलोमीटर में फॉरेस्ट गायब होते हैं एकदम, ठीक है, सिर्फ स्नो कवर परमाफ्रॉस्ट ही मिलेगा, तो कोस्टल रीजन में वेजिटेशन हमको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये जो क्लाइमेट है ये जर्मनी के नदन साइड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इनको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर अलास्का रीजन देखें, कनाडा वहाँ पर देखें, तो ये सब जो क्षेत्र हैं ये सब इससे अफेक्टेड हैं। इसके साथ साथ ये कोल्ड करंट से भी अफेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसा हमने देखा था लैब्राडोर करंट आती है, ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्न साइड में, ठीक है, कुछ करंट्स आती हैं, कोल्ड करंट से अफेक्टेड एरिया होता है। कोनीफर फॉरेस्ट की अगर बात करें तो मॉडरेट डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एवरग्रीन टाइप के होते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं, ठीक है, दे रिप्लेस द न्यू लीव्स एंड जो डेसिडुअस होता है वो नहीं होता है, इनकी पत्तियां साथ में गिरती जाती हैं और दूसरी यहाँ पर उगती जाती हैं, ठीक है। तो द सेम लीफ रिमेन ऑन द ट्री फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक वो लीव्स यहाँ पर बनी रहती है, ठीक है।
फूड स्टोर इन द ट्रंक, ट्रंक में यहाँ पर फूड स्टोर रहता है यहाँ के ट्रीज में, फूड स्टोर इन द ट्रंक एंड द बार्क इज थिक प्रोटेक्ट द ट्रंक फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड, तो पेड़ जो होंगे वो थोड़ा चौड़े होंगे जिससे ये ठंड से बच पाए, ठीक है, ठंड से बचने के लिए पेड़ जो है वो अपने आप को चौड़ा बनाते हैं, ठीक है। कोनिफर आर कोनिकल शेप, स्लोपिंग ब्रांचेस प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन, इस वजह से इस तरीके का बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी निडल लीव्स होती हैं लेदरी टाइप की होंगी, मोटी सी होंगी, जैसे आपने देवदार की लीव देखी होगी लेदरी टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पर जो सॉइल है कोनिफर फॉरेस्ट में काफ़ी पुअर होती है क्योंकि हमेशा बर्फ जमे रहने की वजह से लीचिंग एक्टिविटी होती है। लीचिंग क्या होती है, बर्फ जो है जमी रहती पिघलती भी है और ये मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं उनको नीचे ले जाती है, इसको लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर लीचिंग एक्टिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो सॉइल है वो एसिडिक है, तो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए कोई अच्छी सॉइल नहीं है, परमाफ्रॉस्ट रहने की वजह से ये कोई अच्छी सॉइल नहीं है। बात समझ में आए, तो फॉरेस्ट जो है वो है यहाँ पर सॉइल जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है। ह्यूमस कंटेंट आपको बहुत लो मिलेगा क्योंकि पत्तियाँ गिरती ही नहीं हैं और गिरती हैं तो सड़ती नहीं हैं, जैसे यहाँ देखा 5 साल तक पत्तियाँ गिरेंगी नहीं, अब पत्तियाँ नहीं गिरेंगी और सड़ेंगी नहीं, सड़ेंगी क्यों नहीं, ठंडी जगहों पर चीज़ें खराब नहीं होती हैं, ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होता है ज़्यादा, तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस कम होगा, ह्यूमस लगभग एबसेंट होगा और ह्यूमस एबसेंट होगा तो एग्रीकल्चर आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो एबसेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट की वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ समर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं पैदा कर पाता है, तो एग्रीकल्चर आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो दीज आर द लीस्ट इकोनॉमिक डेवलप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इकोनॉमिक इस एरिया से कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है, कोनिफर फॉरेस्ट है, लंबरिंग है, वुड यहाँ का जो है वो बस कंट्रीब्यूट करता है, अदरवाइज कोई बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोनिफर फॉरेस्ट कैनेडा रशिया जो है वो यहाँ पर काटे जाते हैं और उन्हीं का लकड़ी यूज किया जाता है, बाकी कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। एग्रीकल्चर इज मोस्टली अनलाइकली एज फ्यू क्रॉप कैन सर्वाइव, ठीक है, बहुत कम यदा कदा कोई एग्रीकल्चर होता होगा, अदरवाइज क्रॉप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती, इस वजह से एग्रीकल्चर नहीं होता है, लकड़ी काटने का ही काम यहाँ पर किया जाता है, वो भी कम। अब इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फर वाले एनिमल पाए जाते हैं, तो उन फर वाले एनिमल्स का ज़रूर यूज़ किया जाता है लोकल ट्राइब्स के द्वारा और कुछ लोग उनके फर को इलीगली एक्सपोर्ट भी करते हैं। So many fur-bearing animals are trapped in northern land of Canada and Eurasia, ठीक है, यहाँ पर फर वाले एनिमल को पकड़ा जाता है और उनके फर को इलीगली एक्सपोर्ट, हालांकि यहाँ के लोकल लोगों को उनका फर इस्तेमाल करने की गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होती है, ठीक है। तो मिंक है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, सिल्वर फॉक्स है, इनके फर यूज होते हैं, ये लोग कपड़े भी बनाते हैं, इनसे जूते बनाते हैं अपने, है ना, तो ये सब ये काम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन जो यहाँ का है वो लंबरिंग है, लकड़ी काटना यहाँ पर है इस पूरे क्लाइमेट में, क्योंकि वही एक चीज़ इनके पास में है, ठीक है, बात समझ में आई। अब लकड़ी है तो आसपास रीजन में पेपर पल्प इंडस्ट्री भी डेवलप होगा, ठीक है, फर्नीचर इंडस्ट्री भी, इस तरीके की इंडस्ट्री डेवलप होता है। एज अ फ्यूल वेरी लिटिल सॉफ्टवुड इज बर्न्ड एज अ फ्यूल एज इट्स इंडस्ट्रियल यूज इज फार मोर सिग्निफिकेंट, तो इसको फ्यूल के तौर पर जलाने के में कम यूज़ करते हैं पर इसका इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा होता है, ठीक है, पेपर वगैरह बनाने में, केमिकल इंडस्ट्री में, इनमें जो मैंने बताया था इस रीजन में जो ट्रीज होते हैं उनमें ऑयल होता है, वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, जैसे टर्पेंटाइन, ठीक है, पेंट्स, डाई, यहाँ पर इनका लकड़ी से निकलने वाला तेल जो है यूज होता है, ठीक है। फैक्टर दैट फेवर लंबरिंग इन टैगा क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर टैगा क्लाइमेट में फेवर में है लंबरिंग के, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि टैगा क्लाइमेट इज गुड फॉर लंबरिंग, व्हाई, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉफ्टवुड है ये, ठीक है, पेपर पल्प इंडस्ट्री का अच्छा डिमांड है, लिमिटेड स्पीसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड स्पीसीज नहीं होती है ट्रीज की, तो एक लिमिटेड स्पीसीज है, हमने वो रिकोगनाइज कर लिया, वही काटते चले गए, वही बड़े एरिया में हमको मिल जाता है, ठीक है। होमोजीनियस ग्रुप होता है पेड़ों का तो हमको प्योर स्टैंड मिलता है, अनलाइक रेन फॉरेस्ट रीजन जहाँ पर अलग अलग ट्रीज मिलेंगे, यहाँ पर क्या होता है एक ही ट्रीज जो है वो पूरे एरिया में फैले होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वेल डेवलप्ड है यहाँ पर, ठीक है, स्नो कवर्ड एरियाज जो हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा मुश्किल होता है, पर रोड जो है ना वो सभी जगहों पर बनी हुई है, तो
कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन इनके जॉब को आसान बना देता है, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी चीप है, चीप इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन जगहों पर इस्तेमाल की जाती है सॉमिल में, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चीप है। तो ये कुछ फैक्टर हैं कि यहाँ पर लंबरिंग और पेपर इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है। फिर बचा हमारा टुंड्रा क्लाइमेट, ठीक है, टुंड्रा क्लाइमेट, कोल्ड टुंड्रा, ये एकदम कहाँ होगा, 75 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री की तरफ एकदम कोल्ड होगा, ये एकदम फ्रोजन सिचुएशन बनाएगा, ठीक है। नॉर्थ आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, देखिए ज़्यादा जो कम तापमान हो, मतलब तापमान नीचे गिरना, ये अंटार्कटिका में ज़्यादा होता है क्योंकि अंटार्कटिका लैंड एरिया है और लैंड ज़्यादा ठंडा होता है। आर्कटिक जो है ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, राइट। अच्छा चलिए, अभी ये क्लाइमेट और क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, क्लाइमेट पर बेस्ड एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज और ये वाला क्लाइमेट जो है हम लोग कल करते हैं। आई एम फीलिंग लिटिल बिट टायर्ड, ठीक है, तो आप लोगों से मैं कल मिलता हूँ, और कल जो है इस पूरे क्लाइमेट को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्लाइमेट वाले सेक्शन को आप लोग रिवाइज कर लेना, नोट्स बनाया है तो रिवाइज कर लेना, इस पे से ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, इनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, वी विल डिस्कस दीज प्री फोकस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको इसके आंसर करने हैं, करेंगे ना, ऐसा नहीं कि कल फिर गायब हो जाएं सब लोग, तो आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं कल। और टुंड्रा क्लाइमेट थोड़ा सा रह गया है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, दिस इज़ वेरी नेग्लिजिबल क्लाइमेट, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, लोग वहाँ रहते नहीं, ठीक है, ह्यूमन डेंसिटी इन रीजन्स में बहुत कम है, टैगा में भी टुंड्रा में भी ह्यूमन डेंसिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, सेम टाइम, पहले डेली करेंट अफेयर करेंगे और फिर उसके बाद जियोग्राफी का सेशन करेंगे।